ऑलराइट गाइस, तो IGI 2 के पिछले गेम प्ले में दूसरे कमेंट में दो चैलेंजेस मिले क्योंकि वहाँ बीच में फुल स्टॉप है और यहाँ में सिमिलरिटी पहले वाले चैलेंज है तो हम उसको पिक करते हैं। उस टाइम वीडियो को आगे बढ़ाना था तो उस कमेंट को हम ज्यादा लंबा नहीं खींचे, लेकिन बिलीव मी अंदर ही अंदर वो कमेंट हमको बहुत ही ज्यादा टॉर्मेंट कर दिया है। मतलब समझ लो कि हम चैन से सो नहीं पा रहे हैं। इज इट पॉसिबल? एक सेकंड। हाँ भाई हाँ, आज भी हम लोग मिशन 14 ही करने वाले हैं। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है और जानना चाहते हो तो इसके लिए आप लोगों को पिछला वाला गेम प्ले वीडियो देखना होगा जो अभी भी आई बटन में शो कर रहा है। या फिर आप लोगों को सिर्फ गेम प्ले देखना है तो ये सुन के भी कोई फायदा नहीं है, तो डबल क्लिक करते जाओ इफ यू आर वॉचिंग ऑन फोन। तो बात करते हैं उस कमेंट के फुल स्टॉप के आगे वाले टॉपिक के बारे में। तो क्या ये पॉसिबल है कि इस मिशन में हम लोग ऑग लेके डेविड जोन्स ले सकते हैं? क्या सच में ऑग जो साइलेंट वेपन नहीं है इसको चलाना, यानी कि सीधी बात की एनिमीज को अपने तरफ आकर्षित करना? और मिशन 14 के अलार्म के बारे में तो आप लोग जानते ही हो, और ऐसे सिचुएशन में हमें डेविड जोन्स रैंक लेना है। और ये रैंक कैसे मिलता है हम थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि अगर आप लोग 90s किड हो और काफी टाइम से IGI 2 खेल रहे हो लेकिन फिर भी नहीं जानते हो ये रैंक कैसे मिलता है, तो भाई एक ही चीज आपको बोलना है, ऐसे लोगों को आग लगा देनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ। लेकिन अगर आप लोग 90s किड के अबव हो और काफी टाइम से IGI 2 खेल रहे हो लेकिन फिर भी नहीं जानते हो कि ये रैंक कैसे मिलता है, तो भाई दूध भात समझ के जाओ, माफ किया तुमको। लेकिन आज के गेम प्ले के अकॉर्डिंग इस रैंक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो डेविड जोन्स रैंक हमें सिर्फ और सिर्फ हार्ड डिफिकल्टी लेवल में ही खेलने से मिलता है। अगर आपको ये रैंक इससे कम यानी कि नॉर्मल या फिर इजी में मिल जाता है तो समझ जाओ भाई वो गेम ही दूसरा है। और रैंक लेने के लिए हमें कुछ कैटेगरीज को दिए गए टारगेट के अंदर कम्प्लीट करना रहता है जो हमें सिर्फ मिशन कम्प्लीट करने के बाद ही दिखाया जाता है, जो सबसे खराब बात है। एनीवे कैटेगरीज में आता है टाइम, कितने टाइम में आप मिशन कंप्लीट करते हो, उसके बाद है टाइम स्पॉटेड, कितना बार आप डिटेक्ट होते हो, उसके बाद आता है हेल्थ, एंड लास्टली जो सबसे खास है वो है एक्यूरेसी। टारगेट के अकॉर्डिंग आपको अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन रखना होगा, और एक्यूरेसी हमें एनिमी को शूट करके ही मिलता है। गोलियां इधर उधर वेस्ट नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट एनिमी को ही लगना चाहिए, चाहे वो कहीं भी लगे, हेडशॉट यहाँ में मैटर नहीं करता है। और कुछ वेपन में जैसे नाइफ, ग्रेनेड या माइन, ये एक्यूरेसी में काउंट नहीं होता है, लेकिन तब भी आपको डेविड जोन्स रैंक मिल जाएगा इस मिशन में। यानी कि असॉल्ट आइलैंड में हमें डेविड जोन्स रैंक लेने के लिए कम से कम 7 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होगा, और हम लोग यहाँ में सिर्फ और सिर्फ ऑग यूज कर रहे हैं, तो सब कोई को किल करके आगे बढ़ना अब मुश्किल है क्योंकि डेविड जोन्स रैंक जो लेना है। बाकी चीजें हम लोग मेंटेन कर लेंगे, लेकिन एक्यूरेसी जो है ये सबसे ज्यादा टफ होने वाला है इस मिशन में, क्योंकि एक तो हमें टारगेट के अकॉर्डिंग 85% की एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा ही होगा तो ही बेटर है। और दूसरा जो एक्यूरेसी के मामले में मेजर प्रॉब्लम है वो है पिक्सल जंप। इसके बारे में हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं तो इस बार हम बात नहीं करने वाले, एंड दिस इज द मेन रीजन हम शूटिंग अंधाधुनी करते हैं। So, बाकी की बात है गेम प्ले में हमें क्या करना है इस मिशन में, यानी कि मिशन 14 आइलैंड असॉल्ट में, वो बता देते हैं। सिंपली इस मिशन में हमें डेविड जोन्स रैंक हासिल करना है, वो भी सिर्फ और सिर्फ ऑग वेपन के साथ। सो लेट्स गो गाइस। ओके, तो गेम को हम लोग एकदम रिस्टार्ट मारते हैं, और रीस्टार्ट होते साथ ही हम लोग टाइम पास नहीं करेंगे, बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हो कि इस मिशन में हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, बहुत ही कम टाइम है। और एक बात है इस गेम में कि ज़्यादातर जो जो मिशन में 7 मिनट से कम का टाइम दे रहता है डेविड जोन्स लेने के लिए, वो थोड़ा टफ तो रहता ही है। अपना रनिंग स्पीड बढ़ाने के लिए हम वेपन सब गिरा चुके हैं, और वैसे भी उन सब का जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ ऑग ही यूज़ करना है जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा तो, और सबको को किल करना जरूरी नहीं है इसलिए हम उन लोगों को छोड़ दिए हैं। लेकिन हाँ, मार के जाना जरूरी है क्योंकि अगर हम लोग बिना मारे जाते हैं तो टाइम और ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा, हम लोग डेविड जोन्स रैंक तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऑलराइट, अब यहाँ से स्टार्ट होता है टफ पार्ट, तो हमें सावधानी बरतनी होगी। ठीक है, अच्छी बात है उसने आवाज़ सुन लिया, बट कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, लेकिन कभी कभी वो आवाज़ नहीं करता, लेकिन फिर भी आप लोग को दिखा देते हैं। ठीक है, टाइम नहीं है, आप लोग चाहो तो पॉज कर लेना, उस टाइम वो ऊपर देखने लगता है। ओके, यहाँ भी हम लोग पहले की तरह ही खेलेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग जल्दी करेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स टाइम हमारे पास बहुत कम है, और यहाँ से एक्यूरेसी पे हमें बहुत ध्यान देना होगा।
मतलब गोलियां हमें ज्यादा बर्बाद या फिर कहें मिस नहीं करना है, और अगर थोड़ा बहुत भी मिस हो जाता है तो कोई बात नहीं, 85% का टारगेट दिया गया है डेविड जोन्स रैंक लेने के लिए। ओके, 400 हमने दे दिया है और बाकी लोग का आना तय है, ठीक है। ओके, एक है, हम नहीं चाहते कि हम मिस करें, इसलिए थोड़ा सा कम कम गोलियां हम चला रहे हैं, मतलब कि फुल ब्रस्ट में हम नहीं चला रहे, थोड़ा थोड़ा मतलब कि हम ट्रिगर कर रहे हैं। ओके, इसको आने का वेट करें क्योंकि नेक्स्ट टारगेट है वो, ठीक है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट हम मिस तो नहीं किए, गोली एनिमी को ही लगा है। और आप लोग जानते ही हो, अगर मेरा गोली मिस हो जाता और वो एनिमी नहीं मरता तो डेफिनेटली वो हमें देख ही लेता, अगर हम लोग उस घास में नहीं छुपे होते तो। ऑलराइट, ही इज डेड, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि ये स्नाइपर, चलो वो आगे मुड़ चुका है, तो हमें यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, आप लोग जानते ही हो, और स्नाइपर को हम लोग नहीं मारेंगे, थोड़ा सा टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। तो अब यहाँ हमारा टारगेट वो रहा, दिख रहा है अच्छी तरह से, चलो ये ख़त्म। और अब हम लोग पेनिट्रेट शॉट मारेंगे इस तरह से, हीट विजन करने से सेंटर पे ना एक सर्कल बनता है, ठीक है, चलो परफेक्टली हो गया ये। और यहाँ पे हम वेपन अपना गिरा देते हैं ताकि अपना स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाए, और यहाँ में वेपन की ज़रूरत भी नहीं वैसे, चलो ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा हुआ और हमारा वेपन, ठीक है, हमने ले लिया है ऑग वापस से। अब यहाँ से हमारा जो मेन टारगेट है वो टेंट वाले गार्ड को चारा देना, टेंट वाले मतलब कि वो मेटेलिक रूम जहाँ हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, तो वहीं के कुछ एनिमीज को अपने और बुलाना, यानी कि चारा देना। सारे एनिमीज को बाहर बुलाना थोड़ा रिस्की है क्योंकि उनमें से कुछ ऐसे एनिमी होंगे जो जल्दी से अलार्म बजाने चले जाएंगे डेड बॉडी देखते साथ। ये सेफली एंड परफेक्ट स्पॉट है ऑब्जेक्टिव वाले दो गार्ड को चारा देने के लिए, ठीक है। 400 हमने दे दिया, एक खत्म भी हो गया है, और इस जगह से हम लोग किसी को अलार्म बजाने भी नहीं देंगे, सो ये बहुत अच्छा जगह है। तो हमें बस थोड़ा सा वेट करना है, बस ज़्यादा लेट ना हो जाए, क्योंकि टाइम भी हमें मैनेज करते हुए आगे बढ़ना है। ओके, थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। इससे हम मार सकते हैं कि नहीं, अभी नहीं, ठीक है, एक आ रहा है, यानी कि दो तो आ ही रहे हैं उस जगह से, ठीक है, गोली बचाते हुए, चलो ये ख़त्म। और ठीक है, बजुका को भी अलार्म बजने नहीं दिए, मतलब बजाने नहीं दिए, ठीक है। और ठीक है, एक तो यहाँ इसका सिर दिख रहा है, चलो ये ख़त्म। और एक है, ठीक है, आ जाओ भाई, चलो बस एक बचा है, लेकिन वो निकल नहीं रहा है, वो दिख नहीं रहा है, तो ठीक है, ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ वाले को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। गोली थोड़ा सा मिस हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिस होगा, चलेगा, ठीक है। अब हम लोग, ठीक है, चलो अच्छी बात है, एक बाहर निकल ही चुका है, तो यहीं से हम लोग इसे एक बार में ख़त्म कर देते हैं, चलो वो ख़त्म हो गया एक बार में। अगर वो नहीं होता तो हमको थोड़ा आगे जाके मारना पड़ता, उससे क्या होता कि अंदर वाले जितने भी बाकी बचे जो गार्ड है वो लोग बाहर निकल जाते, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग ये ट्रिक अपनाएंगे कि इसे नहीं, नहीं, इसको हेड में मारेंगे, चलो। अब बाकी लोग बाहर निकलेंगे, जहाँ लास्ट आवाज़ हुआ है, गोली की आवाज़ जहाँ लास्ट हुई है वहाँ आने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ही हम लोग इसे ख़त्म कर देंगे, इन सारे लोगों को ख़त्म करते जाएंगे, क्योंकि इस बार हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए इन लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं देना है। ओके, सारे ख़त्म, एक जगह यहाँ भी हम गोली मिस कर दिए हैं, बट चलो कोई बात नहीं। डेविड जोन्स रैंक के लिए 85% का एक्यूरेसी टारगेट दिया गया है, और हमको नहीं लगता है कि जितना भी गोली हम अभी तक मिस किए हैं वो 85% के नीचे चला गया होगा। और ऑब्जेक्टिव्स तो आप लोग जानते हो कि इस मिशन में ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट किए बिना मिशन कंप्लीट नहीं होने वाला। ओके, ये गन मेरे पास कब आया हमको पता ही नहीं चला, शायद हम बहुत जब बकर बकर कर रहे थे तब हुआ होगा। ओके, वापस से ऑग, और अब हम लोग इस चॉपर वाले एनिमीज को तो मारने वाले है नहीं, टाइम बर्बाद होगा, तो हम लोग डायरेक्ट जाएंगे थर्ड ऑब्जेक्टिव के यहाँ, मतलब ऑफकोर्स उस रूम के अंदर सारे लोगों को ख़त्म करेंगे, करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा सा भी स्लो हुए बिना हमारे अंदर जाने की कोशिश किए तो टाइम पार हो जाएगा और डेविड जोन्स हम लोग नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ में वो ट्रिक काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, तो हमको सारे लोगों को मारते हुए ही आगे बढ़ना होगा, ठीक है।
पहले की तरह इस बार ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। ये लोग यहीं आने वाले हैं अलार्म बजाने के लिए, सारे तो नहीं, एक एक करके ही आएंगे और जितना जल्दी हो सके हम लोग मारेंगे उतना जल्दी जल्दी वो लोग आएंगे। ठीक है, और ठीक है, चलो ये भी ख़त्म, चलो ये एक और है। ठीक है, तो अब सारे एनिमी, अरे हम हमेशा भूल जाते हैं कि कितने एनिमी अंदर हैं, काउंट करना भूल जाते हैं। ठीक है, जल्दी से ये हमारा आखिरी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर देते हैं। ओके, थर्ड ऑब्जेक्टिव, आखिरी ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट हो चुका है और बस हमें वेट करना है डेविड जोन्स का। फाइनली गाइस, डेविड जोन्स हमें मिल चुका है। अब एक बार फिर से दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ में एक ऐसा चीज हुआ है जिससे सारे लोग, बहुत सारे लोग हमको फिर से चीटर कहना स्टार्ट कर देंगे। सो वो स्टार्ट हो उससे पहले ही हम अपना कंक्लूजन दे देते हैं। तो हुआ ये है कि एक्यूरेसी में हम 2-3 जगह गोली मिस किए हैं, आप लोगों ने देखा ही है, लेकिन यहाँ में हमको एक्यूरेसी 100% मिला है, आप लोग देख रहे हो। अब यहाँ में ये कैसे हुआ है, ये जरूर कोई गणित होगा जो हमको नहीं मालूम है। लिटरली बोल रहे हैं, हमको कुछ नहीं मालूम है कि ये कैसे होता है, क्योंकि इससे पहले जितने भी हम गेम खेले हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कुछ कुछ में हम मिस किए हैं, लेकिन हमको तब भी 100% एक्यूरेसी मिल चुका है बहुत सारे मिशन में। सो यहाँ में आप लोगों के पास मौका है हमको चीटर बोलने का, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं है इसका। लेकिन इसी के साथ एक और चीज है जो सोचने पे मजबूर कर देता है कि ये कैसे हो गया, वो भी हम आप लोगों को दिखा देते हैं। सो इस बार हम क्या किए हैं, पूरा टाइम देते हुए सारे लोगों को बिना गोली मिस करते हुए, मतलब कि 100% एक्यूरेसी में मारते हुए यहाँ तक हम पहुँचे। पूरा गेम प्ले शो तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप लोगों को डाउट है तो हम इसको भी अपलोड कर देंगे विदाउट एडिट के साथ, यानी पूरी तरह से रो रहेगा। खैर, यहाँ में आप देख सकते हो कि मैप पूरी तरह से खाली है, कोई एनिमी यहाँ पे जिंदा नहीं है, और जैसा कि हम बोले एक्यूरेसी मेरा एकदम ठीक ठाक है, हम कहीं भी मिस नहीं किए। तो अभी हम क्या करेंगे, ऐसे ही फायर कर देंगे और उससे होगा ये कि एक्यूरेसी में अफेक्ट करेगा, सिंपली एक्यूरेसी डाउन होना चाहिए, जो आप लोग जानते ही हो। तो फिलहाल हम यहाँ में पोजीशन लेने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि 100% एक्यूरेसी बरकरार रहे अगर हम गोली चलाएंगे तब भी। ठीक है, ओके, गोली हम चला चुके हैं। तो आप लोग जानते ही हो कि गोली अगर हम फायर किए हैं इस हिसाब से 10% या 15% कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ में हम बॉडी हिट किए हैं। हाँ, वो डेड बॉडी था, लेकिन फिर भी हम बॉडी हिट ही किए हैं। तो होगा क्या कि तब भी 100% एक्यूरेसी मेंटेन रहेगा, एक्यूरेसी घटता नहीं है, या फिर हम जो बता रहे वो गलत है, इसका कोई और रीजन होगा। सो अगर आप लोग जानते हो तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एंड दैट इज इट, इस बारे में हमको और कुछ नहीं बोलना है, इस मिशन को आप दोबारा नहीं खेलना है, हो गया, बस बहुत हुआ। हम ऑलरेडी बहुत बार खेल चुके हैं इस मिशन को, वो भी डिफरेंट वेज में। सो गेम प्ले अच्छा लगा या फिर कहे वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा सा प्यार। मिलते हैं आप लोगों से किसी और गेम प्ले में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड आप लोग जानते ही हो। Oh shit! Oh.